उत्तर प्रदेश के मामूली शहर से गुजर रहे एक रेलवे ट्रैक की ये तस्वीर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी शेयर की जा रही है। यूजर्स ये तस्वीर शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों ने ट्रेन एक्सीडेंट करवाने के मकसद से ये पत्थर ट्रैक पर रखे हैं। इसे रेल जिहाद की घटना कहा जा रहा है। इस कॉन्स्पिरेसी थियोरी के तहत ये दावा किया जाता है कि मुस्लिम समुदाय रेलवे ट्रैक पर अलग अलग चीजें जैसे पत्थर रॉड रखते हैं, इसके कारण ट्रेन पटरी से उतर जाती है और एक्सीडेंट्स होते हैं। हालांकि इस थ्योरी के सपोर्ट में कोई सबूत सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। अक्सर भ्रामक और गलत सांप्रदायिक दावे शेयर करने वाले अकाउंट स्क्विंट नियोन ने ये तस्वीर शेयर कर इसे आतंकवाद कहा। काजल कुशवाहा ने भी कुछ ऐसे ही दावे के साथ ये तस्वीर ट्वीट की, तो वहीं अमिताभ चौधरी ने इस घटना को रेल जिहाद बताया। इस मामले में छानबीन करते हुए हमें आरपीएफ प्रयागराज डिवीजन का ये ट्वीट मिला, जिसमें बताया गया है कि एनटीपीसी से ट्रेन के कारण गाय की मौत हो जाने की वजह से मुआवजा वसूलने के लिए गांव वालों ने ऐसा किया था। बूम लाइव से बात करते हुए गांव वालों ने कहा कि मामूली गांव से एनटीपीसी पावर प्लांट को कनेक्ट करने वाले ट्रैक पर दो गाय ट्रेन से टकरा कर मर गई थी, जिसके कारण गांव वालों ने एनटीपीसी से मुआवजा लेने के लिए ट्रैक पर पत्थर रखे थे। ये बात भी क्लियर हो गई कि ये ट्रैक पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं बल्कि एनटीपीसी पावर प्लांट के थे। मेजर सहायक पुलिस आयुक्त रवि कुमार गुप्ता ने इस घटना में कोई कम्युनल एंगल होने की बात से साफ इनकार किया, यानी एनटीपीसी ट्रैक पर गायों की मौत का मुआवजा लेने के लिए गांव वालों ने ट्रैक पर पत्थर रखे थे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर झूठे सांप्रदायिक दावों के साथ शेयर की गई।